हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देती हूँ जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो और जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है मीशो ऐप। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वहाँ पर उस पर आपका नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से एक ऐप ओपन हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको घर के रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो सूट, बेडशीट, सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो इसे मैंने ओपन किया और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मुझे येलो कलर पसंद आ गया था, उसमें मैंने क्लिक किया, उस पर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया अपने हस्बैंड के अकाउंट पे। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड के, आप ग्रुप पे ऐसे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन शेयर हो जाने के अगर उसे ये पसंद आता है तो वो उसमें आपको कलर ऑप्शन मांगे थे, आपको कलर ऑप्शन भी उसे सेंड करना है। और अगर उसे वही कलर पसंद आता है तो आपको उसकी डिटेल जाननी है, मतलब आपको उसका साइज़ और उसका एड्रेस मांगना है उससे। बस आपको साइज़ ऐड करनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करना है। और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखेगा, 506 रुपीज़। 506 रुपीज़ आपको उसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना है। मतलब मैंने यहाँ पर मेरा 200 मार्जिन ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 706 रुपीज़। यहाँ पर मेरा 200 जो मार्जिन है वो नीचे आ गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है। आप इस पर आपका एड्रेस भी डाल सकते हो, आपके एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो और आपके फ्रेंड के एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो। बस एड्रेस डिटेल डालने के बाद ये बाय करना है आपको, और इस तरह से आपका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है और राइट हैंड साइड में आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट में जाना है और उसमें आपके बैंक डिटेल डाल देनी है। अकाउंट नंबर एंड डिटेल, सारा बैंक का डिटेल आपको डाल देना है। इससे जो है आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद नीचे ये माय पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, माय पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट भी देख सकते हो कि बैंक अकाउंट में। मार्जिन आने के लिए 15 दिन इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनकी 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी है। आपका अगर कोई फ्रेंड 7 डेज़ में रिटर्न करता है, कोई प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आता है और वो रिटर्न करता है, तो इसी वजह से आपको 15 दिन लगते हैं आपका मार्जिन आने के लिए। तो आप 7 डेज़ में ये प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, और इनके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। एक ही जगह पर आपको घर के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए मिल जाएंगे, आपके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, किचन के लिए मिल जाएंगे। सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे और आप घर बैठे इसे कमा सकते हो। सिर्फ आपको इसे शेयर करना है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं आपके साथ मीशो ब्लाउज हॉल शेयर करने वाली हूँ, वो भी डिजाइनर ब्लाउज हॉल। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ कि कौन से ब्लाउज मैंने वहां से परचेस किया है। एक्चुअली मैं इसका लिंक तो दे नहीं पाऊंगी क्योंकि वहां पर लिंक दिए नहीं जाते हैं, बट इसके जो कोड नंबर वगैरह है वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको परचेस करना है तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ये सारे जो ब्लाउजेस है अपने पैसों से परचेस किया है, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो इसी वजह से आप ये मत भूलना कि ये स्पॉन्सर वीडियो है या कुछ। तो जो जो मुझे अभी आप लोगों को पता ही है कि मुझे मेरे भाई की शादी के लिए मैं साड़ियाँ वगैरह ले रही हूँ या उस पर मैं ब्लाउज वगैरह ले रही हूँ, तो कुछ ब्लाउज मैंने पहले परचेस किया है, कुछ एक दो ब्लाउज मैंने अभी परचेस किया है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ, और सारे जो ब्लाउजेस है डिजाइनर ब्लाउजेस मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। अगर आपको परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहला ब्लाउज ये है ग्रीन इन कलर में, ये ब्रॉकेट, मतलब हाँ ब्रॉकेट ही बोलते हैं इसे, ब्रॉकेट ब्लाउज है और ब्रॉकेट का कपड़ा बोलते हैं इसे एक्चुअली। और ये ना स्लीवलेस ब्लाउज है, और एक्चुअली इनके जो ब्लाउजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और पैडेड होता है मेनली, तो आपको इसमें पैड वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पैडेड होते हैं। और इसका जो फ्रंट नेक है वो थोड़ा सा बोट नेक टाइप में, मतलब छोटा सा है, और इसका जो बैक नेक है वो थोड़ा अच्छा खासा बड़ा है, तो इस तरह से है। और इसमें बैक बटन है आप देख सकते हो, और इस पे ना आप कोई भी कलर की, पिंक कलर की प्लेन साड़ी भी पहन सकते हो। यहाँ पर ऑरेंज कलर दिया है तो आप ऑरेंज कलर की प्लेन साड़ी पहन सकते हो, इस पे पिंक कलर की प्लेन साड़ी पहन सकते हो, येलो कलर की पहन सकते हो, और क्या बोलते हैं रेड कलर की भी पहन सकते हो, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको।
येल्लो कलर की तो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मतलब आप कोई भी साड़ी इस पे पहनोगे प्लेन वाली तो इस पे ये सूट करेगी, तो इसी वजह से ये जो ब्लाउज है वो आपके काफी काम आएगा। मतलब मैंने इसीलिए लिया है ये वाला ब्लाउज कि मुझे, मैं कोई भी प्लेन वाली साड़ी इस पे पहन सकती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक येल्लो कलर की साड़ी है तो उस पे ये परफेक्टली मैच होता है, तो इसी वजह से मैंने ये लिया था। और इस पे ना स्लीव्स आई है अटैच, बट मैंने नहीं लगवाई है। आप अगर लगवाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हो। इस पे ना 1 2 3 4 5 6 6 बटन आते हैं पीछे से। एक्चुअली बटन्स में भी काफ़ी ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब बहुत सारे, अगर आप लेते हो बाहर से, मतलब अगर आप रेडीमेड ब्लाउज लेते हो तो उसमें गैप होती है और बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है वो, तो इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। मतलब पास पास बटन्स हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। क्वालिटी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये मुझे आई थिंक पड़ा था, इसके मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी कितने में पड़ा है मुझे। तो ये इतने का है, आई थिंक 350 या 450 ऐसे कुछ तो भी पड़ा था मुझे ये। और बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है यहाँ के प्राइजेस, मतलब बाहर मैंने देखे हैं तो बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से अगर आप ब्लाउज परचेस करना चाहते हो तो आप रिग्रेट भी फील नहीं करोगे और कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और बाहर अगर आप स्टिच करवाने जाते हो ना तो इसी ब्लाउज के 500 तक तो ले ही लेते हैं, और कपड़ा तो अलग से, पैड अलग से देना पड़ता है, तो वो सारा अलग से, सिर्फ स्टिच करने के लिए 500 देने पड़ेंगे। और उस पर ना डोरी दी होती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डोरी है आप देख सकते हो, ये गोल्डन कलर की। अगर आप इसमें लटकन लगवाना चाहते हो तो आप लटकन भी लगवा सकते हो यहाँ पे, इन्होंने ये दिया है कपड़ा तो आप यहाँ पर लटकन भी लगवा सकते हो। तो ये है फर्स्ट ब्लाउज मेरा। और सेकंड ब्लाउज है ये आपने आई थिंक देखा है मेरे भाई के एंगेजमेंट वाले ब्लॉग में, तो इसमें भी इस तरह से डोरी है उसी टाइप के। इसमें भी ये क्या बोलते हैं कपड़े का ही लटकन है, इसमें मैंने लटकन नहीं लगवाया है। और ये भी ब्लाउज स्लीवलेस ही मैंने रखा है, इसमें भी आए थे स्लीव्स बट मैंने स्लीवलेस रखा है। एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो साड़ी है उस पर दूसरा ब्लाउज था, बट वो जो ब्लाउज है वो टेलर ने मेरा खराब कर दिया था बुटीक वालों ने, तो इसी वजह से मुझे ना उस पर एक सेम ब्लाउज चाहिए था, तो ये मुझे परफेक्टली मैच होता हुआ उसमें दिख गया, तो मैंने ये ले लिया था। और ये ब्लाउज की डिजाइन ना काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे और यूनिक भी लगी। तो इसमें ना फ्रिल है इस तरह से नीचे, और ये थोड़ा सा मतलब राजस्थान टाइप का लुक आता है इसे। अगर आप इससे ये वाला ब्लाउज पहन के थोड़ा सा साड़ी जो पल्ला है वो नीचे भी ले लेते हो ना, थोड़ा सा ऐसे लटकन टाइप का, तो उसमें ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये थोड़ा सा जो ब्लाउज है वो थोड़े लेंथ में भी ज्यादा है, तो इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये ब्लाउज। थोड़ा सा पीछे से जो नेक है इसका इस तरह से है, राउंड नेक, और नेक जो है थोड़ा सा डीप है, और पीछे से इसके उसके जैसे बटन से लगी हुई, तो ये भी मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये ना उस टाइम सेल चल रहा था तो मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था। एक्चुअली ये ना मुझे 250 या 260 रुपीज़ में ही मिल गया था, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है बट उस टाइम मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया था। तो ये है मेरा सेकेंड ब्लाउज। थर्ड ब्लाउज मैंने उसमें ही दिखाया था आपको, तो ये है गाइज वो। तो ये आप किसी भी साड़ी पे पहन सकते हो, गोल्डन साड़ी पे, येल्लो साड़ी पे, या ब्लैक साड़ी पे, आप कोई भी साड़ी पे ये मैच कर सकते हो। तो ये वाला बोट नेक है, मतलब फुल नेक है, और यहाँ तक इसकी स्लीव्स आती है, यहाँ तक एकदम लंबी स्लीव्स है, और इसमें भी इस तरह की डोरी लगवाई है और बैक बटन दी है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कपड़ा भी इसका, मतलब कपड़ा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी भी प्राइस आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, इसकी प्राइस मुझे सिर्फ 120 बोल रही हूँ, 220 का पड़ा था ये वाला ब्लाउज। और आप 220 का आपको कपड़ा ही नहीं मिलेगा, ये इतना अच्छा कपड़ा आप लेने जाओगे ना, 220 का कपड़ा ही नहीं मिलेगा। तो ब्लाउज की सिलाई तो अलग से है और वो भी पैडेड है। मैंने जो भी आपको दिखाया है वो सारे जो ब्लाउज है वो सारे पैडेड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पैड है इसके, और पैड भी कोई चीप क्वालिटी का नहीं है, पैड भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर कोई मैचिंग ब्लाउज उस पर मिल जाए तो आप ले लीजिए पक्का, क्योंकि सिलवाने जाओगे तो एक तो डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवाने जाओगे तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें, और उसमें हमें हमारे मन जैसा मिलता भी नहीं है। मैंने उसमें, हाँ आपको पता ही है, मैंने ये वाली साड़ी पे फालतू में पैसा बर्बाद किया, और उसमें मैंने जैसा उनको बताया था वैसा बना भी नहीं वो, और फालतू में वेस्ट गया, कपड़ा भी वेस्ट गया, सिलाई भी वेस्ट गई, सारा वेस्ट गया। तो इसी वजह से मैंने अभी सोच लिया है कि मैं जो भी मुझे रेडीमेड ब्लाउज मिल जाते हैं मेरी साड़ी पे मैचिंग, तो मैं वही लूंगी। तो इसी वजह से मैं अभी रेडीमेड ही ब्लाउज ले रही हूँ और मीशो से ही ब्लाउज ले रही हूँ, क्योंकि मीशो के ब्लाउज ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल,
और क्योंकि इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इनके साइजेस उस पर लिखे होते हैं, फ्रीज साइज, 36 साइज, 38 साइज, बस साइज होते हैं, तो आपको जो भी साइज आपके होते हैं, तो मैं ज़्यादातर 36 साइज मंगाती हूँ क्योंकि मेरी जो बस साइज है 34 है और मैं 36 मेरा आराम से आ जाता है, मतलब उस पर स्टिच वगैरह करना नहीं पड़ता है, तो इसी वजह से मैं 36 साइज मंगाती हूँ अपने लिए, बस साइज मेरी 36 मतलब मंगाती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लाउज है ये, तो ये पीच कलर में है। एक्चुअली मैंने इसमें पिंक मंगाया था बट पता नहीं गलती से पीच आ गया तो मैंने रख लिया ये, तो ये वाली इस पे स्लीव्स पे भी डिज़ाइन है इस तरह से और नेक पे भी डिज़ाइन है और यहाँ पर स्लीव्स पे आप देख सकते हो भरी हुई डिज़ाइन है और इसका जो बैक है आप देख सकते हो बैक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मटका गला जो बोलते हैं ना वो बड़ा सा गला है और बैक बटन्स है और नीचे से भी बॉर्डर दी है, तो ये एम्ब्रॉयडरी है आप देख सकते हो, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ एम्ब्रॉयडरी कैसी है, तो एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब चीप क्वालिटी की नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से ब्लाउज अगर आप लेते हो ना तो पछताओगे नहीं बिल्कुल भी। तो सिर्फ इसका कलर चेंज आया था, तो मैं चाहती तो इसे रिटर्न भी कर सकती थी बट मैंने सोचा नहीं रिटर्न करूँगी क्योंकि इस तरह की अगर साड़ी मुझे मिल जाए तो मैं साड़ी ही ले लूँगी, तो मैंने नहीं रिटर्न किया, तो मैंने रख लिया ये वाला ब्लाउज। तो ये वाला ब्लाउज है और नेक्स्ट है ये ब्लाउज, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इसका जो बैक है आप देख सकते हो, इसका बैक आप क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ कितना सुंदर है, और इस तरह के अगर बैक आप स्टिच करवाने जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस आपको पे करनी पड़ती है, और ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स पे देखिए, स्लीव्स पे भी इतना अच्छा वर्क दिया है इन्होंने, इतना अच्छा कट दिया है यहाँ पे, और स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी दी है इन्होंने और बैक भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा दिया है, और फ्रंट आपको दिखाती हूँ इसका, तो इसकी ना फ्रंट से बटन है, तो इसका फ्रंट बिल्कुल सिंपल है, फ्रंट पे सिर्फ नेक पे वर्क है और यहाँ पे नीचे बॉर्डर में वर्क है, बट जो फ्रंट है इसका बहुत ही सिंपल है, बट इसका जो बैक है इसके बैक के ही पैसे है और इसकी जो प्राइस है आई थिंक मुझे 600 में ये पड़ा है, तो 600 के अकॉर्डिंग इसका कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी जो वर्क क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कलर भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे दो तीन चार कलर अवेलेबल है, तो आप अगर परचेस करना चाहते हो तो पक्का परचेस कर सकते हो ये वाला ब्लाउज, मतलब सारे ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बट स्पेशली ये वाला कॉस्ट के अकॉर्डिंग और बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सारे कॉस्ट के अकॉर्डिंग वैसे तो अच्छा ही है बट स्पेशली ये वाला जो है मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, और इसमें से कौन सा आपका फेवरेट है ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो लास्ट ब्लाउज है ये भी काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिल गया था, ये मैंने ऐसे ही लिया है, एक्चुअली इसकी कोई साड़ी भी नहीं है मेरे पास, एक्चुअली मैंने सोचा कि इस पे मैं गोल्डन साड़ी या ब्लू साड़ी, मतलब जो जॉर्जेट की होती है या शिफॉन की नहीं होती है, इस तरह की ब्लू साड़ी जो है मैं ले लूँगी, और ये जो ब्लाउज है वो प्लेन साड़ी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से मैंने ये वाला ब्लाउज परचेस किया है, और मैंने ये वाला ब्लाउज ना मतलब ऐसे कोई साड़ी वगैरह पे परचेस नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कि बाद में मैं इसकी साड़ी ले लूँगी, बट इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, इस पे मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे इतना पता नहीं था कि इस पे ये वाला इस तरह से स्टिच किया हुआ आया था यहाँ पर, तो इस पे ना बटन वगैरह हुक वगैरह कुछ भी दी नहीं है, सिर्फ स्टिच करके आया था, तो वो स्टिच मैंने खोल दी है, मतलब यहाँ पर एक क्या बोलते हैं तो हल्की सी सिलाई थी, मतलब मोटी मोटी सी, तो वो मैंने खोल दी है, तो इस पे मुझे अभी बटन्स लगवाने पड़ेंगे, मतलब जो हुक होती है वो लगवानी पड़ेंगी, तो ये आपको लगवाना पड़ेगा, तो इसका माइनस पॉइंट एक ही है, बट इसकी जो फिटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कपड़ा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पाइपिंग दी है गोल्डन कलर की यहाँ पे, कपड़ा भी ब्रॉकेट का है वो भी ज़्यादा अच्छा है, और सिर्फ माइनस पॉइंट इतना है कि बटन लगवानी है, मतलब जो हुक होती है वो लगवानी है, और पैड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब चीप क्वालिटी का नहीं है गाइज, ये प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब प्राइस इसकी 210 रुपीज़ मैंने पे की थी, बट 210 रुपीज़ में तो कपड़ा भी नहीं आएगा, तो पूरा रेडीमेड ब्लाउज मिल रहा है और वो भी विथ पैडेड ब्लाउज मिल रहा है आपको, फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मेन फिटिंग होती है तो वही काफ़ी अच्छी है, इनके सारे ब्लाउजेस की फिटिंग ना मुझे बिल्कुल एक भी ब्लाउज पे इसके मुझे स्टिच नहीं कराना पड़ा ना कुछ भी नहीं कराना पड़ा, सारे मुझे परफेक्टली फिट आया है, क्योंकि मैंने अपने बस साइज जो है वो मैं 36 ऐड करती हूँ, 36 अगर दिख जाती है तो वो ले लेती हूँ, और कुछ में 36 नहीं मिलती तो फ्री साइज ले लेती हूँ, बट फ्री साइज भी मुझे परफेक्टली फिट आई है, तो इसी वजह से मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ है फिटिंग में, तो मुझे एक भी ब्लाउज में ऐसे फिटिंग करवानी पड़ी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
आई होप गाइज आपको ये सारे ब्लाउजेस पसंद आया होगे, और इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है ये भी मुझे जरूर बताना, और मेरी तरह आपको भी अच्छे लगे होंगे, तो अच्छे लगे हैं तो आप भी वहां से परचेस कर सकते हो, क्योंकि सिलाई में पैसे कमाना तो कोई भी नहीं चाहता है, और फालतू में मतलब इतना कपड़ा लो उसमें सिलाई का पैसा दो और हमारा टाइम भी जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप रेडीमेड ब्लाउज परचेस करो। और एक ब्लैक ब्लाउज है जो मैंने अद्विक के बर्थडे के टाइम पहना था, तो वो भी ब्लाउज काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो मैंने एक्चुअली वहाँ से नहीं लिया था, मैंने रेडीमेड लिया था बट मार्केट से लिया था, वो मैंने मीशो से नहीं लिया था, बट सेम जो ब्लाउज है मैंने मीशो पे देखा है, तो उसकी भी प्राइस मतलब उससे कम है, मार्केट से कम है, तो इसी वजह से वो भी ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये थे मेरे ब्लाउजेस जो मैंने मीशो से परचेस किए हैं, और आई होप आपको पसंद आए होंगे। आई होप गाइज आपको ये हॉल पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।